हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो। लेकर के आ चुका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो आप सभी को पता है यार कि अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बल्ब वाला एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक बंदा है एंड इसका पेज यहाँ पे देख सकते हो 5000 के आसपास इसका फॉलोअर होने वाला है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ स्टेप से वीडियो को एडिटिंग करता है एंड इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है एंड बहुत ही अच्छा खासा इसका व्यूज़ आ जाता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो एंड यहाँ पे लाइक का बात करते हो यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइक भी आता है। तो आज हम लोग कुछ इसी टाइप से वीडियो को एडिटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए दोस्तों आप लोग को कुछ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लाइट वीडियो का आप लोग का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बल्ब वाला जो वीडियो है आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है एंड वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। एंड यहाँ पे आप लोग जैसे ही ज्वाइन कर लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों को जो लाइट बल्ब वाला जो वीडियो है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को ये जो टेक्स्ट है आप लोगों को जो शायरी वाला टेक्स्ट है इसको आप लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल लैब में आ जाना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा एंड आप लोगों को पिक्सल ऐप में जैसे ही आ जाते हो तो आप लोगों को शायरी को आप लोगों को कहीं से भी कॉपी कर लेना है। आप चाहो तो गूगल से भी कर सकते हो एंड जैसे ही कॉपी कर लोगे तो यहाँ पे आप लोगों को कहीं भी आप लोगों को इस टाइप से आप लोगों को लिख के रख लेना है। एंड सबसे पहले आप लोगों का जो फर्स्ट वाला जो लाइन है तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को कॉपी कर लेना है। एंड आप लोग जैसे ही कॉपी कर लेते हो तो आप सबको पिक्सल ऐप में आ जाना है एंड यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है आप लोगों को डिलीट कर देना है। एंड यहाँ पे फिर से प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड देन जाकर के आप लोगों को टेक्स्ट में क्लिक करना है एंड न्यू टेक्स्ट में क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे जो शायरी है आप लोग को लिख लेना है एंड इसमें आप लोग को एक फॉन्ट को अप्लाई करना है। तो फॉन्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है एंड फॉन्ट वाले सेक्शन में आप लोग जैसे ही आ जाते हो तो यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आप लोग को दिखाई पड़ता है। तो आप लोग को ये वाला फॉन्ट आप लोग उसमें क्लिक करना है एंड ओके में आप लोग को क्लिक करना है एंड कुछ इस टाइप से आप लोग को यहाँ पे लग जाएगा ये जो फॉन्ट है। एंड यहाँ पे आप लोग को इसका साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेना है एंड आप चाहो तो 70 के आसपास रख सकते हो। एंड आप लोग को फिर से आप लोग को रिलेटिव पोजिशन में आना है एंड यहाँ पर आप लोग को सेंटर पर लेके आ जाना है अपने टेक्स्ट को। एंड यहाँ पे आप इसका कलर का बात करें तो इसका आप लोगों को कलर आप लोग रेड या येलो रख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग रेड रख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कलर वाला ऑप्शन में आ जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को कलर में आप लोगों को रेड रख लेना है। एंड आप लोगों का जो दूसरा टेक्स्ट है उसको भी आप लोगों को कॉपी कर लेना है। पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है एंड यहाँ पे आप लोगों को फिर से प्लस का आइकन में क्लिक करके टेक्स्ट में आकर के आप लोगों को न्यू टेक्स्ट में आप लोगों को इसको डिलीट कर देना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से लिख लेना है। एंड जैसे ही लिख लोगे तो आप लोग का जो एक बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप लोग का जो ये जो सेकेंड वाला टेक्स्ट है उससे फर्स्ट वाला टेक्स्ट आप लोग का बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग को बड़ा कर लेना है पे कुछ इस तरह से आप लोगों को बड़ा कर लेना है एंड आप लोगों को फिर से सेंटर में लेके आ जाना है एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोगों को सेट करना है। एंड इस तरह से सेट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को अब इमोजी आप लोगों को ऐड करना है। तो इमोजी ऐड करने के लिए फिर से आप लोगों को प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड टेक्स्ट में आप लोगों को जाना है एंड यहाँ से आप लोग चाहो तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे रख लेना है इमोजी एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से इमोजी को आप लोगों को सेट करना है। एंड यहाँ पे इमोजी सेट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इमोजी में भी आप लोगों को एक फॉन्ट को अप्लाई कर देना है। तो माई फॉन्ट में जाना है एंड फॉन्ट का भी लिंक आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो iOS करके आप लोगों को एक फॉन्ट मिलेगा तो इसको आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से एंड अप्लाई हो जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ अच्छा से एडजस्ट कर लेना है। आप लोग जितना अच्छा से एडजस्ट करोगे उतना ही अच्छा लगेगा आप लोग का वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है एंड आप लोगों को ध्यान रखना है आप लोग जितना अच्छे से एडजस्ट करते हो आप लोग का वीडियो इतना ज़्यादा सही बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने से पहले आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है एंड आप लोग को ट्रांसपेरेंट में आप लोग को क्लिक करना है एंड यहाँ पर नीचे में देख रहे हो तो ट्रांसपेरेंट में आप लोग को क्लिक कर देना है एंड देन जा करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में आप लोग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सेंटर में आप लोग को ये टेक्स्ट को रखना है एंड ऊपर में आप लोग देख सकते हो ऊपर में आप लोग को दिखाई दे रहा है सेव वाला बटन। तो इसमें आप लोग को क्लिक करना है एंड सेव एज इमेज में आप लोग को क्लिक करना है एंड डिफ़ॉल्ट में जाकर अल्ट्रा कर देना है एंड आप लोग को सेव टू गैलरी आप लोग को करना है एंड आप लोग का PNG सेव हो जाएगा आप लोगों का गैलरी में। एंड अब आप लोग को वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए दोस्तों आप लोग को इलाइट मोशन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इलाइट मोशन का सिंपली सा ओपन करना है। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हो इलाइट मोशन खुल जाने के बाद कुछ इस तरह से आप लोग का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो आप लोग का सिंपली सा प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग जो आप लोग का यहाँ पे जो सेटिंग आप लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को भी कुछ इसी तरह से आप लोग का सेटिंग रखना है एंड बैकग्राउंड का कलर आप लोग को ब्लैक रखना है एंड देन जाकर आप लोग को क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोग को दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप लोग को प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड मीडिया में जाना है एंड मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आप लोग को मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आप लोग को सबसे पहले आप लोग का जो बल्ब वाला जो आप लोग का वीडियो है यहाँ पे आप लोग को ऐड कर लेना है। यहाँ
पे देख सकते हो इस टाइप से आप लोग को बल्ब वाला वीडियो ऐड कर लेना है। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को बल्ब का कलर आप लोगों को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए दोस्तों आप लोगों को इसमें एक इफेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले इस लेयर में क्लिक करना है एंड यहाँ पे इफेक्ट में आप लोगों को क्लिक करना है एंड ऐड इफेक्ट में क्लिक करना है एंड ऊपर में आप लोगों को हॉट कलर आप लोगों को सर्च करना है। एंड आप लोग जैसे ही हॉट कलर सर्च करोगे तो आप लोग को फर्स्ट में आ जाएगा एंड आप लोग को हॉट कलर में क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टैंडर्ड सेटिंग में क्लिक करना है एंड आप लोग को स्टैंडर्ड सेटिंग में जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से आप लोग देख सकते हो कलर चेंज हो जाएगा एंड रेड हो जाएगा। एंड रेड हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कलर में आप लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है एंड आप लोग को यहाँ पे आप लोग को जो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है इसमें आप लोग को क्लिक कर देना है। देख सकते हो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन में आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो इसमें आप लोग को क्लिक करना है। देख सकते हो इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों जो ये जो एरो है आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हो रेड में लेके आना है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आप लोगों को रेड में लेके आ जाना है एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो एरो है आप लोगों को यहाँ पे रेड में लेके आ जाना है एंड लेके आ जाने के बाद दोस्तों आप लोग को यहाँ पे आपका काम हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हो फुल्ली हमारा रेड हो चुका है। एंड रेड हो जाने के बाद दोस्तों आप लोग को बल्ब रेड हो जाने के बाद आप लोग को फिर से प्लस का आइकन में क्लिक करना है एंड मीडिया में जाना है एंड आप लोग को इस बार अपना जो भी हम लोग PNG सेव किया है एंड यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आप लोग को एडजस्ट कर लेना है एंड आप चाहो तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आप लोग को एंड में आ जाना है एंड इसमें आप लोग को क्लिक करके इसका यहाँ पे जो लेंथ है इसको आप लोग को इंक्रीज़ कर लेना है बढ़ा लेना है एंड यहाँ पे देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से वीडियो बनके तैयार हो चुका है। एंड वीडियो तैयार जैसे ही आप लोग को हो जाएगा आप लोग को सेटिंग का बगल में आप लोग को क्लिक करना है एंड वीडियो को सेव कर लेना है अपने गैलरी में। एंड बात करते हैं साउंड वीडियो की तो साउंड वीडियो आप लोग इंस्टाग्राम से भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। आज का वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।